केदार घाटी में अतिवृष्टि के बाद से कई मार्ग आवाजाही के लिए बंद हो गए थे, जिन्हें खोले जाने के लिए विभिन्न रेस्क्यू टीमें लगातार अभियान चलाए हुए हैं। आपको बता दें कि शनिवार को जिला प्रशासन को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल एसडीआरएफ की टीम ने लैंडस्लाइड के चलते बंद पड़े चीरबासा हेलीपैड को कड़ी मेहनत के बाद दुरुस्त कर दिया है और इस हेलीपैड के ठीक होने से रेस्क्यू अभियान में बड़ी मदद मिली है। इसके बाद जिलाधिकारी ने प्रशासन की टीम के साथ हेलीपैड पर पहली लैंडिंग कर पूरी टीम का हौसला अफजाई की। साथ ही शनिवार दोपहर 3:30 बजे तक चीरबासा हेलीपैड से करीब 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि हेली सेवाओं के माध्यम से चीरबासा से रेस्क्यू कार्यों को और भी आसानी व सुगमता के साथ किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। हम अभी जिस जगह पर हैं वो चीरबासा है और यहाँ एक पहले से ही बना हुआ हेलीपैड था, लेकिन लैंडस्लाइड यहाँ हो गया था जिसके कारण से इस हेलीपैड में बहुत सारे पत्थर आ गए थे, जो बड़े पत्थर भी थे, इसके कारण से ये फंक्शनल नहीं था। आज हम अपनी टीम के साथ 11 के 8 जवानों के साथ भीमबली पर उतरे। भीमबली से यहाँ हम पहुँचे, ये करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ के हेलीपैड को हमने क्लीन किया, इसके जितने बड़े पत्थर थे सब बाहर किए इससे, और हेलीपैड को हमने जो यहाँ के फंसे हुए हैं उनको वापस सुरक्षित स्थान पर ले जाने के योग्य बना दिया और यहाँ से अभी हेलीपैड की सर्विस शुरू हो गई है और रेस्क्यू कार्य प्रारंभ।